चुनाव के नौजवान बच्चे दुनिया लाशा उसी छपैला मत एक दिन ऐसा आना कि थोड़ा बच्चा बिल्कुल मृत्यु की प्राप्त हो जाना जिया तू सुना ना हाँ सुनाओ भाई तू कर नहीं किया भाई तू है कौन है सारे दिखिया पर समाज मरणिये ने जींदा हत्ये घर शैतान जीता है ये उसले मरगन जिस वेले तो सारे आपे मार गए ये उस वेले मरगन इं मरदे उस वेले तुसे अपने आप की जागृत करना है जिस कुसे दा बच्चा भी इस चीजे का सेवन करता उसी छपैलो नहीं उसी छपैलो नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने 90% लोगों के जेड़े माँ प्यो भी होंगे इसी तरह से हर घर में ये चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए हर माँ की माँ बाप का दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को देखा जाए कि घर से जब निकलता है और कहाँ जा रहा है और कितने बजे निकला है और कितने बजे घर वापिस आया है सबसे बड़ी बात यह है कि और गया है और उसकी पूरी रेकी होनी चाहिए ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि घर से खाना लेके गया था इसने खाया खाना खाया है ये नहीं खाया है अगर नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया है घर पे खाना खाना उसका दायित्व बनता है अगर नहीं खाया तो उसकी पूरी रेकी की जाए कि कहीं उसकी नसों में जो आजकल जो चिट्टा चल रहा है जैसे हमने नाटक के माध्यम में आप सबसे कहा है कि नशे उसकी कहीं वो छलनी तो नहीं हुई है एक सिरिंज लगाने से कम हर बार वो सिरिंज की जाए पूरा निशान जो है दिखता है तो यही कारण है हम अवेयरनेस के माध्यम से और पूरे उदयपुर में ही नहीं हम चाहते हैं आप सबका जो मीडिया का जो साथ रहता है ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक उदाहरण है जैसे कि आपने आज हमें सब कवर किया यहाँ पे हम आप सबके धन्यवादी हैं क्योंकि हमारे पास तो हम तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं लेकिन घर तक संदेश कैसे पहुँचाए ये आपके माध्यम से ही पहुंच सकता है किसकी तरफ से आज ये आज हमारा अभियान कला मंच एक हमारा अपना थिएटर है अभियान कला मंच ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं और स्टेट से बाहर भी काफ़ी इसके शिरकत करता है इससे पहले हमने अपना जेएंडके कल्चरल एकेडमी आर्ट ऑफ लैंग्वेजेस की तरफ से यहाँ अपना वुमेन कॉलेज में ये प्रस्तुति की तो हमारे जहन में आया कि बिना किसी कि हम जहाँ पे अपने उधमपुर में हमने एसएचओ चमन गोरखा जी से बोला कि और उन्होंने हमें इजाज़त दी और उनकी ही इजाज़त की वजह से आज हम ये आज का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम कर सके हम दिल की गहराइयों से एसएसपी विनोद कुमार जी का और डीएसपी साहिल साहब का और एसएचओ चमन गोरखा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये उधमपुर में एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम आगे भी अपेक्षा चाहते हैं कि हमें आगे भी स्कूलों में कॉलेजेस में गांव में ये प्रोग्राम करने के लिए हमें आमंत्रित किया जाए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं ऐसे प्रोग्राम करने के लिए पिछले दिनों हमने कोरोना के दौरान भी हमने अपना अभियान कला मंच की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पे अवेयर किया था लोगों को यही हम चाहते हैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर चमन जी आए हमारे बीच में मैं धन्यवाद करते हैं सर इनका थैंक यू।